मंगला, आज तुम्हारी पाजेब कह रही है तुम बहुत खुश हो। अंदर आइए ना। इस कमरे की महक कह रही है आज वसंत आया है। इस दरवाजे तक आकर एक रात वसंत लौट गया था। वो रातों की रात हमारे लिए विरह की रात बन गई थी। मैंने सोचा आज की रात को हम सुहागन बना दें। मंगला, अपने मुंह पर फैसला छोड़ा था ना, मैंने तय कर लिया है जब तक सास है इन्हीं बाहों में बसेरा करूंगी और उसके बाद इन्हीं कंधों पर चीता तक जाऊंगी। मंगला, कैसा लगा यह हार? बहुत सुंदर। माँ इसे पहना करती थी। बरसों पहले उन्होंने मुझे यह हार दिया था और कहा था मेरी बहू को यह पहनाना। मैं कितनी खुशनसीब हूं, हार के साथ मुझे माँ जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। मुझे याद है बचपन में बटन लगाने के लिए मैं माँ को पूरे मोहल्ले में दौड़ाता था। आज तुम बटन लगा रही हो और मैं हिल भी नहीं सकता। आज भी मन भागने को करता है? नहीं, अब मैं भागना नहीं चाहता। कौन प्यासा गंगा का किनारा छोड़ेगा? जब प्यास बुझ जाएगी उसके बाद? नहीं मंगला, कभी नहीं। ना ये प्यास बुझेगी ना मैं तुमसे दूर जाऊंगा। सुइयों को सिर्फ चुभना आता है,
और आपको क्या आता है? चुभन का दर्द पीना। कौन? आपके घर में इस तरह और कौन घुस सकता है? अच्छा अच्छा नो, बहुत दिनों बाद आया। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, पहले भाभी से मिलवाइए। अच्छा मंगला, मैंने तुम्हें शादी पे नहीं बुलाया इसलिए नाराज हो ना। जी। हर कोई बात नहीं, मंगला को देखते ही तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मंगला ये मेरा दोस्त अनूप है। नमस्ते। नमस्ते। इनके पिताजी ने ही मेरा स्कूल खुलवाया था और ये भी हमेशा मेरे स्कूल की मदद करते रहते हैं। बड़े एहसान है इनके मुझ पे। अब छोड़िए भी, क्या बातें लेके बैठ गए आप। मंगला इनका सामान अंदर रखवा लो। मेरा सामान तो होटल में है। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जब मैं यहाँ अकेला था, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब तुम यहाँ रहते थे, और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल में रहोगे। शायद इन्हें वहाँ ज्यादा आराम हो। कमाल है, होटल होटल है, घर घर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे कमाल। जी भैया। इनके साथ होटल जाकर इनका सामान यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। नहीं आनंद जी, मेरे ख्याल से तुम चुप रहो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। जाओ कमाल। जी आइए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आनंद जी की बहुत करीबी। कहीं आप उनके मामा के लड़के तो नहीं? नहीं नहीं। मौसा के? ये भी नहीं। फूफा के? जी बात यह है, मैं आनंद जी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सिर्फ दोस्त? मैं तो डर ही गया था। वैसे आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? वो मैं आनंद जी का बड़ा नजदीकी रिश्तेदार हूँ। मैं उनके मामा के चाचा के ताए का लड़का हूँ। जी नहीं समझे, रिश्ता अपना विलंबित में है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलें। चलिए। अनु, मंगला के बारे में एक बात मैं हमेशा जानना चाहता था, लेकिन आज तक किसी से पूछ नहीं सका। तुमसे पूछ सकता हूँ? लोग जो मंगला के बारे में कहते हैं क्या है? क्या कहते हैं? यही कि ये बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, इनकी सुंदरता में सबसे सुंदर क्या है? आंखें। सुंदरता को हमेशा सुंदरता ही देखनी चाहिए। बाग, पेड़, फूल, थिएटर, ड्रामा, सिनेमा, ये सब मंगला को देखना चाहिए। मैं तो इन्हें दिखा नहीं सकता, तुम ही ये सब दिखा लो। इनके साथ? नहीं, मैं चलूंगी तो सिर्फ आपके साथ ही। मेरी बात मान लो मंगला, बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा, यूं घर में बैठे बैठे कब तक घुटती रहोगी? मैं घर में ही खुश हूं। तो अपनी ये खुशियां बाहर जाकर बिखेरो। तुम्हें मेरे घर नहीं ठहरना चाहिए था। मैं जानता हूं मंगला, लेकिन आनंद जी की बात टाल नहीं सका। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तुम चाहते तो कोई भी बहाना बना सकते थे। तुम्हें देखते ही अरमान जाग उठे और सारे बहाने भूल गया। तुम तो सिर्फ वादा भुला करते थे, याद है? एक दिन तुमने मुझे मैं जानता हूं मंगला, लेकिन बदकिस्मती ने वादा पूरा करने नहीं दिया। जब डैडी को मैं तुम्हारे घर लाने के लिए कलकत्ता पहुंचा तो वो मुझे मौत के दरवाजे पर मिले, और मैं उसी में उलझ गया। और कुछ महीने बाद उनके साथ लौटा तो मेरे प्यार का गला